I will like my baby, 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 oh, like baby, 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 oh. इंग्लिश गाना हमने गाया, हैरानगी वाली बात है, अनपढ़ हैं फिर भी इंग्लिश गाना गाया, ये कोई आम बात नहीं। तो उनको देख के एक फीलिंग आया जैसे कपकेक जैसा है। काले रंग दा परांदा मेरे सजना ले आंदा नी, मैं चुम चुम होनी मैं चुम चुम रख दी फिरा, मैं पापा पार नच दी फिरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा, आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फहद हसन। ऐजो तो नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक उभरती हुई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल आपने देखी है, जिसमें दो अनपढ़ बहनें जस्टिन बीबर का गाना गाते हुए हमें नज़र आती है। दो सगी बहनें हैं, एक का नाम सानिया है और एक का नाम मुकद्दस है। आखिर इसे जानते हैं कि आखिर इन दो बहनों को एक गाने का शौक़ कैसे हुआ और इनको ये इंग्लिश गाना गाने का कैसे शौक़ हुआ और इन्होंने याद कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छा। आप सानी हैं? जी हाँ, मैं बड़ी के छोटी? बड़ी हूँ। बड़ी सानिया, छोटी सानिया कौन है? छोटी सानिया मेरी बेटी है। अच्छा, ठीक हो गया माशाल्लाह। अच्छा सानिया, मुझे ये बताइएगा कि गाना गाने का शौक़ कैसे हुआ? गाना गाने का शौक़ मेरी अम्मी को था, है। मेरी अम्मी शुरू से ही गाती हैं, तो उनका शौक़ पूरा नहीं हुआ। वो भी अपनी लाइफ में गाना चाहती थी, एक सिंगर बनना चाहती थी। बकायदा उनका वो शौक़ पूरा ना हो सका, तो उन्होंने हम में से ये शौक़ अपना पूरा किया। हम भी गाते थे, ये मेरी सिस्टर जो है छोटी मुझसे पहले ये गाती थी, मैंने तो गाना बाद में स्टार्ट किया। तो अम्मी इसको सिखाती थी और मैं भी साथ में बैठती थी तो देखती थी मैं, और गाना सीखती थी, ये भी बैठती थी गाना सीखती थी। तो मामा ने ही ये शौक़ हमें लगाया। बकायदा हम थोड़े बहुत सुरीले थे बचपन में, तो अभी तो गाने का ज़्यादा पता चल गया है, समझ आ गई है, तो अभी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहे हैं। और आप लोगों के सामने ही हैं, हम लोगों ने जो ये गाना किया है कोक स्टूडियो का, तो बहुत प्यार मिला लोगों से। अच्छा सानिया, बताइएगा कि पहला गाना आपका जो सा इंग्लिश में वायरल हुआ है जस्टिन बीबर का, उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या हुआ था ऐसा जो आपने इंग्लिश में जस्टिन बीबर का गाना गा लिया? जी, इंग्लिश गाना हमने गाया, हैरानगी वाली बात है, अनपढ़ हैं फिर भी इंग्लिश गाना गाया, ये कोई आम बात नहीं थी। लेकिन इंग्लिश गाने गाने का शौक़ कैसे लगाए हमें, वो ऐसे कि ये मेरी जो सिस्टर है, इसको जस्टिन बीबर की जो लुक और पर्सनैलिटी थी वो बहुत अच्छी लगती थी। ये कहती थी कि ये देखो लड़का कितना प्यारा है, और उसका जो पहले दफ़ा हमने जो तस्वीर देखी थी, हमने उसका गाना नहीं सुना था, उसका एक सलोन पे ना हेयर कटिंग की सलोन थी, तो वहाँ पे उसका एक पोस्टर लगा हुआ था, तस्वीर थी उसकी, उसने एक ब्लैक जैकेट अंदर वाइट शर्ट और ऐसे करके माइक पकड़ा हुआ था, खड़ा था। तो इसको वो तस्वीर बहुत अच्छी लगी, इसने मुझे दिखाई, कहती ये लड़का कितना प्यारा है। मैंने कहा हाँ। फिर इसने उसकी सर्च निकाली किसी के मोबाइल से, उस टाइम हमारे पास ना मोबाइल था और ना ही इतना सोशल मीडिया और इस लाइफ के बारे में पता था, तो इसने सारा कुछ निकाला। तो ये कहने लगी कि ये तो सिंगर है, तो हमने फिर उसका गाना सीखा, इसी ने सीखा, मुझे भी सिखाया, हमने वो गाया और हमारा एक छोटा सा क्लिप किसी ने बना लिया और आपके सामने वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। सही हो गया। अब छोटी बहन से भी बात करते हैं, नाज़रीन ये हमें बड़े गौर से देख रही है, दिल में कह रही होगी कि भाई हमारा इंटरव्यू नहीं कर रहे, बड़ी बहन को सारे प्रमोट करी जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बारी आ गई है, परेशान ना हो आप, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात सही हो गया। अच्छा मुकद्दस, मुझे ये बताइएगा, जब आपने जस्टिन बीबर को सर्च किया, जब आपने ये देखा कि वो सिंगर है, तो आपने ये भी सर्च किया कि वो सिंगल है? ऑफ कोर्स, उसका तो हमें शुरू से ही पता है। एक फैन के दिल में जो उनका स्टार होता है उसकी एक फीलिंग एक अलग होती है, वो एक सारा अलग सिस्टम होता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। मैं बस उनको जब मैंने देखा, ऑब्वियसली वो मुझे बहुत अच्छे लगे, बिकॉज ही इज़ वेरी क्यूट एंड वेरी स्वीट, एंड तो उनको देख के एक फीलिंग आया जैसे कपकेक जैसा है। फिर जब सुना उन्हें, तो फिर जाहिर है जब एक सिंगर दूसरे सिंगर को सुनता है और उसे देखता है कि ये क्या क्या अपनी आवाज़ में। अच्छा, से कर सकता है। कपकेक में फ्लेवर कौन सा वो लग रहे थे, चॉकलेट फ्लेवर लग रहे थे या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लग रहे थे? तो फिर उनको सुना जब, तो वाकई में उनकी आवाज़ में, बेशक वो एक जैसे मांड सिंगिंग रागनी राग नहीं गाते, लेकिन उनकी आवाज़ में बहुत सुर है और बहुत अच्छे तरीके से वो गाते हैं। तो फिर उनका गाना सुना तो वो ज़्यादा अच्छे लगने लगे, तो फिर उनका गाना सीखा इसीलिए।
सीखा, याद किया, फिर उसके बाद गाया और माशाल्लाह इतनी वायरल हो गई कि आज कोक स्टूडियो में भी आपने अपना गाना गा लिया है। वो लोगों को इतने ही पसंद आ गए, हमें तो नहीं लगता कि हमने कुछ किया है, लोगों ने इतना प्यार दे दिया कि यहाँ से वहाँ तक ले गए लोगों के ही प्यार। नाज़रीन आपने तो एक वीडियो में देखा, ये भी देखेंगे आप वीडियो में, मगर हमारे चैनल के जरिए देखेंगे अब ये जस्टिन बाइबल का लाइव गाना सुनाने जा रही हैं। Baby fix me, and now you shake me till you fake me from these bad dreams. I'm going down, 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 down. And I just can't believe how fast love, you know. I will like my baby, 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 oh, like baby, 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 oh, like baby, 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 oh. Spectre always been my mind. वाह जवान नाज़रीन, आप लोग जहाँ जहाँ भी बैठ के ये वीडियो देख रही हैं वहाँ बैठ के आपने क्लैपिंग कर दी है, चाहे आप किसी गली की थरी में बैठ के वीडियो देख रही हैं, चाहे आप किसी बड़े होटल में बेड पे बैठ के वीडियो देख रही हैं, आपने क्लैपिंग कर दी है। नाज़रीन ऐसा टैलेंट बहुत कम मिलता है, अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ इसके ट्रांसलेशन मुझे भी बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि ये जस्टिन बाइबर ने क्या कहा है। और उनकी जो सी एक जनरली जिसे कहते हैं ना फ़ैन है, ये वो फ़ैन है। अच्छा सानिया मुझे बताइएगा कि आपका बैकग्राउंड माशाल्लाह मौसीकी से रिलेटेड है, ऐसा क्या आपका बैकग्राउंड है मौसीकी से? हम रेशमा जी के ख़ानदान से हैं, हम राजस्थानी लोग हैं, हमारा गाने बजाने के साथ एक बहुत अच्छा और बहुत पुराना ताल्लुक है। राजस्थानी में माशाल्लाह ऐसा टैलेंट तो बड़ा कम पाया जाता है, मगर जो टैलेंट होता है वो बहुत वायरल होता है। रेशमा जी आपकी क्या लगती हैं? रेशमा जी मेरी मामा की खाला हैं, आंटी हैं। मामा की खाला हैं जी? जी सही हो गया, फिर तो आपको बहुत आसानी हुई होगी, मतलब कि ख़ानदान में एक सुरीली आवाज़ है। उनसे एक ये था कि हिम्मत आ जाती थी कि हमारी बिरादरी में भी इतने अनपढ़ लोग हैं, कुछ भी नहीं पता क्या करना है क्या नहीं एंड ऑल, तो उनको देख के एक कॉन्फिडेंस हो जाता था कि अगर ये कर सकते हैं बिकॉज ये इतनी ओल्ड हैं तो हम क्यों नहीं, तो ये सोच के एक हिम्मत मिली। इस दौर में हैं और वो तो हालांकि इस दौर से भी पुराने थे और उन्होंने ये हिम्मत रखी भला कि हमारी जो बिरादरी है ना इसमें ना लड़कियों को पढ़ाते हैं ना लड़कों को पढ़ाते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये बहुत मुश्किल था कि ऐसी गैदरिंग को अच्छे से जकड़ के रखना, अच्छे से पकड़ना, तो हमारे लिए तो ये इतना मुश्किल नहीं रहा। तो दूसरा ये कि हम लोग जो हैं इस फील्ड से बहुत अच्छा ताल्लुकात है हमारा, मेरी मामा भी सुरीली हैं और जो नसीबो लाल जी हैं वो भी हमारी फैमिली में से ही हैं। आप ये देखें कि आजकल गा तो हर कोई रहा है, अगर कोई किचन में खाना बना रहा है तो वो भी गा रहा है, तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने किसी को आता है, लेकिन अगर अच्छा जो गाता है जो सुरीला गाता है वो उनमें से कोई कोई है, बाकी गाते सारे ही हैं। अभी हम डस्टिंग क्लीनिंग कर रहे होते हैं या फिर कोई घर में कोई भी काम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम गाते गुनगुनाते रहते हैं, क्योंकि गाना जो है हर बंदा ही गाता है, हर किसी का दिल करता है कि भाई थोड़ा थोड़ा गुनगुनाएं, लेकिन गाना अच्छा वही गाएगा जो एक आर्टिस्ट है और एक क्रेज़ रखता है इस चीज़ का, वही गाना अच्छा गाएगा। अच्छा मुकद्दस बताइएगा आप शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी 90 में हुई थी, 16 मार्च को, और 1990 में नहीं नहीं 19 अच्छा 19 2019 में गए ना, सही हो गया। अच्छा बताइएगा कि 2019 में ना 22 आ गए माशाल्लाह, 3 साल हो गए हैं। अच्छा 3 साल हो गए हैं। अच्छा मुकद्दस मुझे ये बताइएगा हस्बैंड की तरफ से या आपके ससुराल वालों की तरफ से कभी किसी किस्म की पाबंदी का शिकार हुई हो आप, उन्होंने आपको किसी चीज़ से रोका हो कि यार अब गाने बजाने का काम छोड़ दो, अब आप सिर्फ घर संभालो घर में रहा करो? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम हमारी फैमिली में कुछ करना चाहते हैं तो जाहिर बात है अगर आप मैरिड हो अगर आपकी फैमिली है तो आपको कुछ संभाल के चलना पड़ेगा, सारा कुछ हैंडल करना पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने रोका हो या मुझे पाबंदी की हो, ऐसा नहीं। अच्छा सानिया ही बताइएगा कि जो भी चीज़ आप दुनिया में करते हैं ना उसका सबसे पहले इनिशियल स्टार्ट होता है, उसका कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है,
अब हर इंसान को नहीं मालूम होता कि यार मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं अच्छा गा सकता हूँ, मैं अच्छा डांस कर सकता हूँ, मैं फलां, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, किसी को नहीं पता होता। कोई ना कोई आपका जो सा सज्जन बेली होता है या रिश्तेदार होता है या घर वाले होते हैं, आपको बताते हैं कि बेटा आपका डांस अच्छा है, आपकी सिंगिंग अच्छी है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप चांस लो, कहीं जाओ, आप तरक्की कर सकते हो। वो कौन ऐसा पहला शख्स था ज़िंदगी में जिसने आपको गाइड किया, जिसने आपको बताया कि बेटा आप इस चीज़ को आगे लेकर जाओ? जी, ये जो हमारी सिंगिंग के हवाले से हमें बताया कि आप अच्छा गाते हो, आप अच्छा गा सकते हो, सबसे पहले ये परख जो है घर वाले ही करते हैं। तो मेरी मामा ने ही सबसे पहले देखा कि ये लड़कियां गा सकती, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जैसे हर बंदा ही गुनगुनाता है, हम भी छोटे थे तो गुनगुना रहे थे, गा रहे थे, तो मामा ने देखा कि ये गा सकती हैं, तो फिर मामा ने हम पे ध्यान दिया और अपने पास बिठा के फिर गाने सिखाने लगी, अच्छे अच्छे गाने सिखाने लगी, हमें रियाजत करवाती, अम्मी हमसे गाने सुनती, हमें गाने बताती, कोई अच्छी जगह हम नहीं कहते गाने में तो मामा उसको सीधा करवाती। अभी भी हम कहीं भी गाना कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो मामा ही सीधा करवाती हैं। और अब तो माशाल्लाह से हम लोग खुद इतना समझ गए हैं कि मामा कहती है कि बेटा अभी आप लोग बिल्कुल ठीक गा रहे हो। पहले मामा खामियां निकालती थी, लेकिन अब मामा भी कहती हैं कि आप लोग बहुत अच्छा गा रहे हो और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फेम मिलेगा। इंशाल्लाह हमारी तो दुआएं हमारी बहनों के साथ है। अच्छा ये बताइएगा सानिया, ये कोक स्टूडियो में आपने जो गाना गाया है ये कैसा सफ़र रहा और कैसे मौका मिला आपको? कोक स्टूडियो के तक पहुंचने के लिए हमने बहुत मेहनत की और काफ़ी लोगों से हमने ये कहा था कि हमें कोक स्टूडियो का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी हमने बोला था, लेकिन हमें ये काफ़ी सालों के बाद जुल्फी सर ने हमें इसके लिए डन किया, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और बस उन्हीं की ही मेहरबानी से हमने कोक स्टूडियो के लिए ये गाना किया है। बकायदा मैं उनसे बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये गाना दिया है। मेरी मामा उनके लिए बहुत दुआएं करती है, क्योंकि मेरी मामा ने हमें कोक स्टूडियो के तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने हमेशा हमारे लिए दुआएं की हैं, हमेशा हमें सपोर्ट किया है। अच्छा मुकद्दस बताइएगा कि कोक स्टूडियो जाकर आपको कैसा महसूस हुआ? एक ख्वाहिश थी आपकी कोक स्टूडियो में जाकर गाना गाना, आपने गाना गा भी लिया और काफ़ी सुपरहिट भी आपका गाना गया, कैसा लगा आपको? ये गाना सुपर हिट इसलिए हुआ कि हम सब ने बहुत मेहनत की, मैंने, मेरी बहन ने, उस वक्त सानिया प्रेग्नेंट भी थी और इसने बहुत मेहनत की, हसन रहीम ने बहुत मेहनत की, तलाल कुरैशी ने और जो डायरेक्टर्स थे, जितने भी लोग थे, उन सब ने बहुत मेहनत की। इसकी वजह ये है कि गाना फेमस हुआ और जो हमारा ये सीज़न, जो हमारी ये जर्नी रही, ये बहुत अच्छी थी हमारे लिए, बहुत एक्साइटमेंट थी इसमें और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अच्छा सानिया बताइएगा कि राजस्थान फैमिली से आप बिलोंग करती हैं, ताल्लुक़ रखती हैं, आपकी फैमिली ने तो बहुत ज़्यादा आपको नो डाउट सपोर्ट किया, मगर कुछ ख़ानदान के ऐसे अफराद होते हैं जो बातें करने से नहीं हटते, उन्होंने ज़ाहिर है आपको तनकीद का निशाना भी बनाया होगा, कुछ माशरे के ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ आपकी सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, कुछ आपके रिश्तेदार दूर के हो सकते हैं, कैसे उनका मुकाबला किया, कैसे फेस किया उनको? जो लोग तंज करते थे उनको अब ये पता चल गया है कि उनके लिए ये गाना, समझ ले जो डायरेक्टर ने हम पे ये जो बोल रखे हैं, ये तलफ़ रखे हैं कि पीछे हट, ये उन्हीं के लिए है कि पीछे हट, उनसे हम यही कहना चाहेंगे। अब उनको पीछे हटाए जरा, गुनगुनाए जरा, कौन सा गाना? पीछे हट। अच्छा मुकद्दस कोई पैगाम देना चाहोगी अपने देखने वालों को? सब देखने वालों को मेरा पैगाम ये है, स्पेशली दिल से रमज़ान मुबारक, और ये इस साल के रमज़ान हम सब पे बहुत बहुत अच्छे गुजरे, हम दिल भर के इबादत करें और एक दूसरों को अफ्तारी के लिए बुलाएं और इंजॉय करें। सही हो गया, मैं फिर अपनी अफ्तारी पक्की समझूं। बिल्कुल, इस्लामाबाद आना पड़ेगा आपको, इस्लामाबाद आना पड़ेगा अफ्तारी के लिए। आप जा रही हैं, मना कर रही हैं, फैसल मस्जिद में हम लोग अफ्तारी करवाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह 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 पक्का डन। 16 रमजान को अगर आप लोग वहाँ आएंगे तो फिर आपको अफ्तारी करवाएंगे, इंशाल्लाह डन। अच्छा सानिया आप क्या कहना चाहोगे देखने वालों को, जाने वालों को? मैं ये कहना चाहूँगी कि सब लोग बहुत इखलाक से रहें, एक दूसरे से प्यार बांटें, रमज़ान आ रहे हैं तो प्यार बांटना ज़रूरी है। दूसरा ये कि जो लोग हुनर वाले हैं, फ़न वाले हैं, प्लीज़ उन लोगों को आगे लाएं, जितने भी माँ बाप, बहन भाई, जितने भी रिश्तेदार हैं, प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें, शुक्रिया। अच्छा आप दोनों बहनें नाज़रीन आपको एक अच्छा खूबसूरत सा कोयल जैसी आवाज़ में गाना गा कर सुनाएंगी और इनका गाना सुनकर आप प्लीज़ अपने आप को काबू में रखिएगा। अगर आपने जस्टिन बीबर को सर्च करना है तो सबसे पहले उसकी गर्लफ्रेंड को भी सर्च करना है ताकि आपको पता चल जाएगा कि भाई
सिंगर सेलिना वो है कि नहीं, सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, ये सही बताएंगे, ये सही बताएंगे, उसे तो छोड़ दिया है ना, 13+ उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, वो मैरिड भी है, उसकी वाइफ का नाम है सेलिना गोमेज और उसका शायद एक बेबी भी है। अब ये दो बहनें कोयल जैसी आवाज में हमें प्यारा सा गाना गाकर सुनाएंगी जी। काले रंग दा परांदा मेरे सजना ले आंदा नी मैं चुम चुम होनी मैं चुम चुम रख दे फिरा मैं पब्बा पार नच दे फिरा मैं पब्बा पार नच दे फिरा काले रंग दा परांदा परांदा परांदा। सही हो गया जी। तो नाजरीन दो बहनें जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है, दो अनपढ़ ऐसी बहनें सानिया और मुकद्दस जिन्होंने अपने मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा काम करने की ख्वाहिश रखी है और मज़ीद आगे काम करने का इन्होंने सोचा है। हमारी दुआएं हमारी बहनों के साथ हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़ाद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।